नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के आज इस ऑनलाइन कक्षा में। और ऑनलाइन पोर्टल पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल अप्रोच FW RISC, यानी पारिस्थितिकीय उपागम FW RISC। कोर्स कोड है UGPA 101 और आज ये उसके अंतर्गत ब्लॉक टू है। ब्लॉक टू में उसकी लास्ट यूनिट है, यूनिट 13। इसके बाद हमारा ब्लॉक थ्री बचा है जिसमें दो ही यूनिट है। तो ऑलमोस्ट ये पेपर कंप्लीट होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे आज संगठन के उपागम के अंतर्गत पारिस्थितिकीय उपागम। अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा ये प्रयास रहता है कि मेरा लेक्चर बाइलिंगुअल मोड में हो, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के जो हमारे लर्नर्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके, दोनों इससे समझ सकें, लाभ उठा सकें। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें जो टर्म्स हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, कभी कभी हिंदी में वो हमें समझ में नहीं आते हैं। सो दिस लेक्चर विल बी बाइलिंगुअल सो दैट लर्नर ऑफ बोथ मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, थोड़ा सा जब हम किसी विचारक के विचारों को पढ़ते हैं, पहले अपनी पिछली क्लासेस में भी हमने यही बात आपको बताई है, जब भी हम किसी के विचार, किसी उपागम, किसी के अप्रोच को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, वो उसकी लाइफ कैसी रही है, उसकी राइटिंग्स क्या हैं। तो थोड़ा सा हम फ्रेड रिक्स के बारे में जानेंगे। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स बॉर्न ऑन July 3, 1917 एंड डाइड ऑन February 9, 2008 वॉज वेल नोन फॉर हिज स्टडीज इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में CPA कहते हैं, स्पेशली रिक्सियन मॉडल फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रेक्टेड मॉडल्स। फ्रेड रिक्स को हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ते हैं और फ्रेड रिक्स को हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों में इनका एक अहम योगदान है। तो दोनों ही टॉपिक में हम फ्रेड डब्ल्यू रिक्स को पढ़ते हैं। आज यहाँ हम जो चर्चा करेंगे वो हम इकोलॉजिकल अप्रोच इनकी पढ़ेंगे और जिसके अंतर्गत हम इनके जो मॉडल्स हैं, जो आइडियल मॉडल्स हैं, आइडियल मॉडल का मतलब है एक्चुअल में वो कहीं नहीं है बट इन्होंने सिर्फ अपने मन से उसको बनाया है। तो जो आदर्श मॉडल है इनके, जिसके अंतर्गत तीन मॉडल बताए हैं, जो फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रेक्टेड मॉडल्स, तो मेनली हम इसी को फोकस करेंगे, इसी पे बात करेंगे। ही वॉज प्रोफेसर इमेरिटस एट पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई USA। पॉलिटिकल साइंस के इमेरिटस प्रोफेसर थे हवाई यूनिवर्सिटी USA में और इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है एंड रिसीव सेवरल अवार्ड्स फ्रॉम सेवरल इंस्टीट्यूशंस एंड कंट्रीज इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज नॉलेज टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, हालांकि ये पोलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, तो इसलिए हम इन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। द मेन थ्रस्ट ऑफ हिस मॉडल इज दैट वेस्टर्न मॉडल्स आर रिलेटिवली लेस रेलिवेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज विच हैव स्पेसिफिक एनवायरमेंट कॉन्टेक्स्ट, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक लाइफ, कल्चरल प्रैक्टिसेस, पॉलिटिकल सिंबल्स, एलोकेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ लेबर एटसेट्रा। आपको याद होगा अपने पिछले लेक्चर्स में भी हम इस पर बात करते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज का इमरजेंस हुआ था, बहुत सारे विकासशील देशों की का उदय हुआ था, तो उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स वेस्ट कंट्रीज हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उनमें जो प्रशासनिक तकनीकें अपनाई जाती थी वो विकासशील देशों पर काम नहीं कर रही थी। यानी वो अगर अप्लाई करते हैं हम अपने डेवलपिंग कंट्रीज में तो उतने इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ वर्क नहीं करता। यही बात फ्रेड रिक्स कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं विच हैव स्पेसिफिक एनवायरमेंट, जिनका एनवायरमेंट स्पेसिफिक है और सोशल स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है, अलग है, इकोनॉमिक लाइफ अलग है, कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग हैं, हम लोग बहुत डिफरेंट हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, पॉलिटिकल सिंबल्स, एलोकेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ लेबर एटसेट्रा, तो अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स इन दीज कंट्रीज आर लार्जली शेप्ड बाई दी
इकोलॉजी कंटेक्स्ट। जैसे कि पश्चिमी देशों में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हमें हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा, हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स में सुधार करना होगा, तो इसको हम इकोलॉजिकल अप्रोच के अंतर्गत आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकीय उपागम है क्या, तो इकोलॉजिकल अप्रोच देख लेते हैं क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन डजंट फंक्शन इन आइसोलेशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, इट इन्फ्लुएंसेस इट एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो जहाँ का भी एडमिनिस्ट्रेशन हो उस एरिया उस पर्टिकुलर एरिया के अलग फंक्शन नहीं कर सकता है। जैसा वहाँ का क्षेत्र होगा, जैसे वहाँ के लोग होंगे, जैसे वहाँ का एनवायरनमेंट होगा, एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट सारी चीज़ें आती हैं, तो जैसे वहाँ के लोग होंगे, जैसे वहाँ का वातावरण होगा, उनका रहन सहन होगा, प्रशासन को भी वैसा ही बनना होगा, ऐसा फ्रेडरिक्स बताने का समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये कहते हैं कि इट इन्फ्लुएंस यानी एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंसेस इट एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यहाँ पर इट जो है एनवायरनमेंट के लिए यूज़ किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन एनवायर को इन्फ्लुएंस करता है यानी प्रभावित करता है और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट से वो एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एनवायरनमेंट से अलग करके देखा नहीं जा सकता। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू इज नेसेसरी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन द अप्रोच अडॉप्टेड इज नोन एज द इकोलॉजिकल अप्रोच। तो जो इंटरडिपेंडेंट जो फैक्टर्स हैं, जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, और इसी को हम जब पढ़ते हैं, इस अप्रोच के साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं, तो हम इसको इकोलॉजिकल अप्रोच कहेंगे। इकोलॉजी, अब इकोलॉजी है क्या? इकोलॉजी इज अ टर्म बोरोड फ्रॉम बायोलॉजी, बायोलॉजी से टर्म लिया गया है। इट इज़ कंसर्न विद द साइंस डीलिंग विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। जो इंटर रिलेशनशिप होती है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में, जो हम बायोलॉजी के सेंस में इसको समझने का प्रयास करते हैं, एंड इन बायोलॉजी इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट अ पर्टिकुलर प्लांट रिक्वायर्ड्स फॉर इट्स ग्रोथ अ पर्टिकुलर क्लाइमेट, सॉइल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। बायोलॉजी में क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं, जैसे एक पौधा है, एक प्लांट है, उसको ज़रूरत पड़ती है उसकी ग्रोथ के लिए, धूप की भी ज़रूरत पड़ती है, पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे वहाँ की क्लाइमेट है वैसे ही उसकी पौधे की या पेड़ की ग्रोथ होती है। तो एनवायरनमेंट से जैसे एक प्लांट इन्फ्लुएंस होता है, यहाँ पे यही फ्रेडरिक समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सॉइल है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कितना रहता है। अ प्लांट दैट कैन ग्रो वेल इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेट कैन नॉट डू सो अंडर अ डिफरेंट क्लाइमेट। जो कोई भी पर्टिकुलर प्लांट होता है एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में जैसे वो ग्रोथ करता है, अगर उसको कहीं दूसरी डिफरेंट क्लाइमेट में ग्रो किया जाए तो उसकी ग्रोथ उतने अच्छे से उतनी अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो ये एग्जांपल दिया है बायोलॉजी का। लाइकवाइज द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच सोसाइटी, वैसे ही हम सोसाइटी का उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पे हम प्लांट्स को हमने रखा है, तो ठीक वैसे ही फ्रेडरिक्स कहते हैं लाइकवाइज द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच सोसाइटी इज कंडीशनड बाय इट्स ओन हिस्ट्री, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वैल्यूज, पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो वैसे ही प्रत्येक जो समाज है उसकी अपनी विशेषता होती है, उसका इतिहास कैसा रहा है, उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी आर्थिक संरचना कैसी है, वैल्यूज कैसे हैं उस पर्टिकुलर सोसाइटी के, और वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, इन सभी चीज़ों से सोसाइटी वहाँ की इन्फ्लुएंस होती है। तो ऑब्वियसली जब सोसाइटी इन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होगी तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी तरीके का होना चाहिए, ना कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसा हो। आपको समझ में आया होगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स सोशल सिस्टम एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट शेप द आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस जस्ट एज अ प्लांट कैन नॉट ग्रो इन अ डिफरेंट एन्वायरमेंट, सो ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट थ्राइव इन अ डिफरेंट सोशल
सेटिंग, जैसे हमने प्लांट का भी एग्जांपल लिया था, उसको जो एक पर्टिकुलर सॉइल और उसमें क्लाइमेट में ग्रो करता है, अगर उसको डिफरेंट क्लाइमेट में हम ग्रो करेंगे तो नहीं करेगा। ठीक वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन या सोसाइटी का हम यहाँ पे उसकी तुलना कर रहे हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, तो वो कैन नॉट थ्राइव इन डिफरेंट सोशल सेटिंग। उसको दूसरे सोशल सेटिंग में, जैसे अमेरिका की या ब्रिटेन की सोशल सेटिंग, जो सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक व्यवस्था है, वो डिफरेंट तरीके की है, और हमारे यहाँ अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निक्स अप्लाई की जाएंगी तो एडमिनिस्ट्रेशन का उतना अच्छा प्रभाव नहीं होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन उतना इफिशियंट नहीं हो पाएगा। तो एनवायरमेंट को देखते हुए वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के तौर तरीके यहाँ पर उपयोग किए जाने चाहिए। दस, टू अंडरस्टैंड द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द इंटरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स एनवायरमेंट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी जो इकोलॉजी है इसको समझने के लिए क्या करना है, द इंटरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स एनवायरमेंट, जो यहाँ का वातावरण है, जो डेवलपिंग कंट्रीज का एनवायरमेंट है, उनके और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हमें इंटरेक्शन को समझना होगा। इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी एंड द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स फंक्शनिंग। सारे फैक्टर्स होते हैं जो फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। अब ये तो हमने समझा कि इकोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है, उसके बारे में जाना, जिसको अभी हमने पढ़ा कि बायोलॉजी से ली गई है। अब हम देखते हैं कि फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने अपने कौन से मॉडल दिए हैं, जिनको हम आइडियल मॉडल के नाम से जानते हैं। यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। इनके तीन जो आइडियल मॉडल हैं, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रेक्टेड मॉडल्स, ये बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। रिक्स डेवलप्ड थ्री आइडियल मॉडल, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रेक्टेड, टू एक्सप्लेन द चेंज इन द ट्रांजिशनल सोसाइटीज। द आइडियल मॉडल ऑफ रिक्स आर हाइपोथेटिकल एजम्पशंस, ये केवल हाइपोथेटिकल एजम्पशंस हैं, दीज आर ओनली एजम्पशंस, नॉट इन एक्चुअल, क्योंकि ये इसीलिए इनको आइडियल मॉडल बोला गया है। ये कहीं भी ऐसा प्रयोग नहीं किया गया है, ना ऐसा कहीं इस घटना हुई है, ये केवल अजम्पशंस हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है, और फ्रेड रिक्स ने ये अजम्पशंस डेवलप की हैं। तो रिक्स, द आइडियल मॉडल ऑफ रिक्स आर हाइपोथेटिकल अजम्पशंस एम्ड एट एनालाइजिंग प्री हिस्टोरिक डेवलपिंग एंड डेवलप्ड सोसाइटीज़। तो इसमें डेवलपिंग सोसाइटीज़ को भी लिया है फ्रेडरिक्स ने, और डेवलप्ड सोसाइटीज़ को भी लिया है। एक तो आप देखेंगे चाइना का मॉडल लिया है, चाइना और थाईलैंड का, और दूसरा जो देश हैं जैसे यूएसए है, अमेरिका है, वहाँ का उदाहरण लिया है। अभी हम आगे इसको समझेंगे। रिक्स क्रिएटेड मॉडल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के माध्यम से क्रिएट किया गया है, उस पर ये बेस्ड है। Accordingly, in a few society, a single structure carries out various functions. अब यहाँ पर few society में कहते हैं कि carries out various function, एक ही अकेली संरचना various type की यानी विभिन्न कार्यों को करती है few society में। In contrast, और इसके just contradictory मतलब विपरीत में, in a defected society, separate structures are created to carry out specific functions. जो डिफ्रेक्टेड सोसाइटीज़ की बात करते हैं फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन को करता है। तो ये फ्यूज एंड डिफ्रेक्टेड की बात हुई। एंड नेक्स्ट है, बट बिटवीन दीज टू, और इन दोनों सोसाइटी, तो पहली सोसाइटी हमने कौन सी पढ़ी थी, फ्यूज सोसाइटी, और दूसरी है डिफ्रेक्टेड, और इन दोनों के बीच में, देर बिटवीन these two there exist a number of societies in which the characteristic of both fused and diffracted societies are found side by side. Such societies are called prismatic societies. एक ऐसी societies, यानी ऐसे समाज जिसमें fused society और diffracted दोनों की characteristic एक साथ मिलती हैं, जिनका coexistence हो, उनको हम prismatic societies के नाम से जानते हैं, दोनों की जिसमें विशेषताएँ मिलती हों। However, Rix emphasizes that no society can be exclusively called either fused or diffracted. All societies are generally prismatic in nature. तो आगे ये भी कहते हैं फ्रेडरिक्स
कि कोई भी सोसाइटी ना तो वो फ्यूज्ड हो सकती है, ना वो डिफ्रैक्टेड, यानी ना वो पूरे तरीके से उसको हम फ्यूज सोसाइटी कह सकते हैं और ना ही हम उसे डिफ्रैक्टेड सोसाइटी बोल सकते हैं। केवल और केवल प्रिज्मेटिक सोसाइटी ही नेचर में होती है, यानी ऑल सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो केवल प्रिज्मेटिक ही होती हैं जनरली। द कैरेक्टर ऑफ अ सोसाइटी बी इट फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन कैरिड आउट बाई देम। तो केवल उनका जो कैरेक्टर है सोसाइटी का, वो जो डिपेंड करता है फ्यूज्ड है कि डिफ्रैक्टेड है, वो उनके जो विभिन्न संरचनाएँ होती हैं, वेरियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस जो उनके द्वारा किए जाते हैं, इसके आधार पर हम उसका कैरेक्टर सोसाइटी का बताते हैं या समझते हैं। पहला है फ्यूज्ड मॉडल, जो हम आइडियल मॉडल्स के अंतर्गत तीन मॉडल पढ़ेंगे, तो उसमें पहला है फ्यूज्ड मॉडल। रिक्स सेलेक्टेड इंपीरियल चाइना एंड द प्री रेवोल्यूशनरी सियामीज। अब यहाँ पर सियामीज से आप थाईलैंड को, पहले थाईलैंड का ये पुराना नाम है, इसे आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पे चाइना और थाईलैंड को रख करके आप पढ़ सकते हैं। थाईलैंड एज एग्जाम्पल्स ऑफ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूज सोसाइटीज़। तो जो फ्यूज सोसाइटीज़ हैं उसमें फ्रेडरिक्स ने चाइना का उदाहरण लिया है, चाइना और थाईलैंड का, और इनका बेसिकली जो काम था वो फार्मिंग करना, यानी खेती करना था। अभी हम आगे देखेंगे। दीज सोसाइटीज़ हैड नो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस एंड अ सिंगल स्ट्रक्चर कैरिड आउट अ नंबर ऑफ फंक्शंस। दीज सोसाइटीज़ हैविली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, नोइंग नो इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। ये बेसिकली सोसाइटीज़ बेस्ड थी केवल और केवल एग्रीकल्चर पे, इनको कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का नॉलेज नहीं था, कोई मॉडर्नाइजेशन का नॉलेज नहीं था, ये आधुनिक नहीं थी और बहुत ही परंपरागत तरीके के ये समाज जाने जाते थे। और इसमें कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं था फंक्शन का, एक सिंगल स्ट्रक्चर जो है वही सारे फंक्शन कैरिड आउट करता था, यानी वही सारे फंक्शन को, सारे सभी कार्यों को करता था। एक विशेषता है फ्यूज्ड मॉडल की, फ्यूज सोसाइटी की, द रॉयल फैमिली। अब इसमें इनका जो गवर्नेंस सिस्टम है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कैसा था, वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चूँकि प्री हिस्टोरिक पीरियड का एग्जाम्पल लिया है, तो रॉयल फैमिली उस समय राजा हुआ करता था। द रॉयल फैमिली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। द किंग एंड द ऑफिशियल्स नॉमिनेटेड बाई हिम, या तो राजा या फिर उसके नामित किए हुए सदस्य, कैरिड आउट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड अदर एक्टिविटीज़ बाई देमसेल्फ। वो स्वयं ही सारी एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती, चाहे वो आर्थिक गतिविधियाँ हों या प्रशासनिक गतिविधियाँ हों, राजा या फिर राजा के द्वारा नामित लोग ही करते थे। जनता का उससे या जनता के प्रतिनिधियों का उससे कोई लेना देना नहीं था। द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल वर जनरली एट लो ऐप। गवर्नमेंट और पीपल के बीच, यानी प्रजा और राजा के बीच कोई रिलेशन नहीं था, डायरेक्ट उनमें बातचीत नहीं होती थी, लोग अपनी समस्याएं नहीं रख पाते थे, बहुत ही कम था। पीपल शोड रिस्पेक्ट टू द किंग बाई ऑफरिंग देयर सर्विसेज एंड प्रेजेंटिंग मटेरियल गुड्स टू हिम विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। वो राजा की सेवा तो करते थे लोग और उनको मटेरियल गुड्स प्रोवाइड करते थे जो उनके पास होता था और सेवा करते थे, लेकिन राजा से इन रिटर्न, यानी राजा से उसके बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे और वो अपने तन मन धन से राजा की सेवा करते थे। द गवर्नमेंट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपुल, दो द पब्लिक हैड एन ऑब्लिगेशन टू ओबे द डिक्टेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों के प्रति राजा या उसके अधिकारी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे, अपने जो उनकी इच्छा होती थी वो काम करते थे, लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं था, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, और जो भी वो कहते थे उनको, उनके आदेशों को प्रजा को मानना होता था, यानी प्रजा बिना किसी संकोच के, बिना किसी प्रश्न के राजा या उनके अधिकारियों के आदेश को मानने को मजबूर थी। जनरली दीज सोसाइटीज टेंडेड टू बी स्टैटिक विद नो डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, पीपल वुड हैव नो डिमांड्स एंड नेवर इज। अब जैसे सारी चीज़ें आगे आप पढ़ रहे हैं कि जो मैं
पॉइंट्स यहाँ पे अपनी पीपीटी में मेंशन किया है। तो बेसिकली इसका आप अगर सार समझें, इसका जो कंक्लूजन समझें कि फ्यूज सोसाइटी जो कैसी होती थी, तो उसमें प्रजा को कोई अधिकार नहीं थे, राजा मनमानी कर सकता था, प्रजा राजा की सेवा करती थी, उनके अधिकारियों का कहना मानती थी, जैसे वो काम करते थे उसको उसी तरीके से स्वीकार करती थी, कोई प्रश्न उठाने का अधिकार प्रजा को नहीं था, लोग केवल और केवल जैसे राजा कर रहा है उसको एक्सेप्ट स्वीकार करते थे। द बिहेवियर ऑफ द पीपल वॉज हाईली ट्रेडिशनल, बहुत ही परंपरागत तरीके का समाज था, एज ओल्ड कस्टम्स बिलीव्स फेथ एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिविंग इनेबल्ड द पीपल टू लिव टुगेदर एंड कंट्रोल देयर बिहेवियर, जो उनकी कस्टम्स थी, जो उनका ट्रेडिशंस था, उनकी परंपराएं थी, उसका वो पालन करते थे, एक दूसरे पर विश्वास करते थे और अपने उस दायरे से वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। तो बहुत ही ट्रेडिशनल सोसाइटी इसको हम कह सकते हैं, फ्यूज्ड सोसाइटी को, जहाँ एक सिंगल स्ट्रक्चर सभी एक्टिविटीज़ को करता था, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, एक सिंगल स्ट्रक्चर था, एक प्रशासनिक एकीकृत संरचना थी, अलग अलग लोग उसके लिए नहीं थे, तो कोई भी चेंजेज इसमें नहीं हो सकता था। दूसरा हम देखेंगे डिफ्रैक्टेड मॉडल रिक्स यूजेस अमेरिकन सोसाइटी एज मॉडल ऑफ डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। अभी मैंने बताया था कि फ्रेड रिक्स ने अपने इन मॉडल्स को समझाने के लिए चाइना और अमेरिका का उदाहरण लिया है, फ्यूज सोसाइटी जो हमने अभी डिस्कस की उसमें उन्होंने थाईलैंड और चाइना कंट्री को लिया। वहाँ पे जनरली क्या होता था कि एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था, उसी पर डिपेंड इकोनॉमी थी उनकी। और दूसरा डिफ्रैक्टेड मॉडल में रिक्स ने अमेरिकन सोसाइटी को एक मॉडल बनाया है जिसको हम डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के नाम से जानेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। अ डिफ्रैक्टेड सोसाइटी विल बी डायनेमिक विद हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ईच स्ट्रक्चर कैरीज आउट अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। यहाँ पे इसमें क्या था कि इस डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में एक स्पेशलाइजेशन था हाई डिग्री का, विशेषीकरण, जिसमें प्रत्येक संरचना चाहे वो जिस प्रकार का काम हो तो उसी प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वही काम करेगा, स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जो स्पेशलिस्ट हैं वही स्पेशलिस्ट अपने स्पेशलाइजेशन फील्ड में जो काम आएंगे उसको वही करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको जिस कार्य की जानकारी नहीं है और वो उस कार्य को कर रहा है, तो एक्शन स्पेशलाइज्ड जो एक्शंस हैं वो वही परफॉर्म करेगा जिसको उसकी जानकारी है। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का ये उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। गवर्नमेंट्स वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ पीपल एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन भी हो रहा है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है लोगों के लिए, लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख रही है। जस्ट ये फ्यू सोसाइटी के एकदम अपोजिट है। द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ डिफ्रैक्टेड सोसाइटी इज बेस्ड ऑन मार्केट मैकेनिज्म, और ये सोसाइटी है ये बेस्ड है मार्केट पे, यानी ये बाजारीकरण पे, बाजारीकरण व्यवस्था पर आधारित है मेनली, और वो कृषि उद्योग पर आधारित थी। द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट हैज़ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन द अदर फेसेट्स ऑफ द सोसाइटी। रिक्स कॉल्ड इट मार्केटाइज्ड सोसाइटी। अब हम पढ़ते हैं इन दोनों के बीच में जो एक मॉडल है, प्रिज्मेटिक मॉडल। जब हम सिक्वेंस में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल, लेकिन हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहले हम फ्यूज सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, फिर डिफ्रैक्टेड को समझा, अब हम इन दोनों को लेकर, दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक जिसमें पाई जाती है इसको हम प्रिज्मेटिक बोलते हैं। अब हम इस सोसाइटी को देखते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं। रिक्स कंसंट्रेटेड ऑल हिज एफर्ट्स ऑन प्रिज्मेटिक मॉडल टू एक्सप्लेन द नेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द पोस्ट कॉलोनियल डेवलपिंग नेशन। इसमें फ्रिक्स ने किस पे कंसंट्रेट किया है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी किसको कहा है, जो पोस्ट कॉलोनियल डेवलपिंग नेशन, जो डेवलपिंग कंट्रीज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो देश आज़ाद हुए थे वो डेवलपिंग कंट्रीज कहलाए, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, उनकी सोसाइटी कैसी है, उसकी बात ये प्रिज्मेटिक मॉडल में करते हैं। इन एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन दीज ट्रेडिशनल सोसाइटीज, रिक्स सिस्टमैटिकली यूज एंड इकोलॉजिकल अप्रोच टू एक्सप्लोर देयर नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स ऑफ सोसाइटी पॉलिसी पॉलिटीज इकोनमी एंड कल्चर। यहाँ पर फ्रेडरिक्स इकोलॉजिकल अप्रोच को अप्लाई करते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स
प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कैसा था समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सोसाइटी के जो विशेषता हैं इसको हम समझ सकते हैं, तीन तरीके की इसकी विशेषताएं हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्स, प्रिज्मेटिक सोसाइटी हैज थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली है हिट्रोजेनिटी, यानी कि विषमता, विभिन्न तरीके के ट्रेडिशंस, मतलब मॉडर्न ट्रेडिशन भी आपको मिलेगी, मॉडर्न चीज़ें भी आपको मिलेंगी और ट्रेडिशनल चीज़ें भी, जो परंपराएं हैं समाज में, जो शुरू से जो रिवाज परंपरा जो कार्यक्रम होते चले आए हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं, और जो मॉडर्न चीज़ें हैं वो भी एग्जिस्ट करते, को एग्जिस्टेंस आपको मिलेगा दोनों ही चीज़ों का। तो बहुत ही विषमता पाई जाती, विषम समाज यहाँ पे मिलेगा। दूसरा है फॉर्मेलिज्म, यानी औपचारिकता, फॉर्मेलिटी आपको बहुत मिलेगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एंड थर्ड इज ओवरलैपिंग, जैसे मैंने यहाँ पे बताया वैसे ही जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं, पुराने तरीके से लोग जीवन यापन करना पसंद करते हैं, लोग मॉडर्न भी हो रहे हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर इन कंट्रीज में, इन सोसाइटीज में रहते हैं। तो ये तीन बेसिक इसकी फीचर्स हैं, हिट्रोजेनिटी, फॉर्मेलिज्म एंड ओवरलैपिंग। डिटेल में आप इसको समझना चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स द सोशल चेंज इन प्रिज्मेटिक सोसाइटी वुड बी इनकंसिस्टेंट, इनकम्प्लीट एंड इरिस्पॉन्सिव। तो इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से सोशल चेंज है प्रिज्मेटिक सोसाइटी में वो इनकम्प्लीट और इरिस्पॉन्सिव है, ऐसा फ्रेडरिक्स का मानना है। अब आपने एक टर्म सुना होगा साला मॉडल। अब साला टर्म, साला क्या है? साला एक स्पेनिश वर्ड है, स्पेन भाषा का एक शब्द है। तो इसको हम प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो सब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, जैसा कि हेडिंग में ही लिखा हुआ है। रिक्स टर्म्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स इन प्रिज्मेटिक सोसाइटीज एज साला मॉडल, विच हैज़ वैरायटी ऑफ मीनिंग्स इन डिफरेंटेड सोसाइटीज। इट इज़ नोन एज सच एज ब्यूरो, ऑफिस एंड इन फ्यू सोसाइटी इट इज़ टर्म्ड एज चैम्बर। तो जो साला शब्द है, साला मॉडल, ये अगर हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी की, तो इसको सैला बोलते हैं, और यही सेम जब हम बात करेंगे डिफ्रेक्टेड सोसाइटीज़ की, तो इसको हम ब्यूरो के नाम से जानते हैं या फिर ऑफिस के नाम से जानते हैं। अगर हम फ्यूज सोसाइटी में पढ़ते हैं, जो पहला वाला हमने टर्म देखा था मॉडल, तो इसको हम चैम्बर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेन फीचर इसका क्या है, देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। द एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनैलिटी एंड एफिशिएंसी फाउंड इन ब्यूरो आर अब्सेंट इन साला। अब ब्यूरो कहाँ पे कहते हैं इसको? डिफ्रेक्टेड सोसाइटीज में। तो डिफ्रेक्टेड सोसाइटीज में जो ब्यूरो है वहाँ पे रैशनैलिटी आपको मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनैलिटी, यानी तार्किक प्रशासन, दक्ष प्रशासन, एफिशिएंसी। और वो जब आप साला मॉडल पढ़ेंगे आके प्रिज्मेटिक सोसाइटी में, वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, यानी दीज आर अब्सेंट इन प्रिज्मेटिक सोसाइटीज। और सेला मॉडल फैमिली, कम्युनिटी, नेपोटिज्म एटसेट्रा प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द अपॉइंटमेंट टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन एंड इन टेकिंग डिसीजन और परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। यहाँ पर फ्रेडरिक्स ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जो सेला मॉडल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो सब सिस्टम है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, भाई भतीजावाद मिलेगा, जो अपॉइंटमेंट्स होंगी अपने लोगों की होंगी, गवर्नमेंट अपने लोग का फेवर करेगी, हर जगह हर एक संस्था में अपने लोगों को नियुक्त करेगी, और जो डिसीजन लेगी वो उसमें भी नेपोटिज्म का बहुत प्रभाव होगा, यानी अपने जानने वाले, अपने परिचितों को ही, जैसे कोई डिसीजन लेना है जनता के हित में, उसमें अपने परिचितों को लाभ दिलाने की कोशिश करेगी। अगर कोई टेंडर किसी को देना है, टेंडर किसी का पास कराना है, तो अपने रिश्तेदारों का पास कराएंगे लोग। तो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनैलिटी एंड एफिशिएंसी यहाँ पर अब्सेंट है, बिल्कुल भी नहीं है, जो कि ब्यूरो में हम देखते हैं। नेक्स्ट है द बाजार कैंटीन मॉडल। बाजार कैंटीन मॉडल क्या है? द इकोनॉमिक सब सिस्टम, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, सब सिस्टम है, द इकोनॉमिक सब सिस्टम ऑफ प्रिज्मेटिक इकोनॉमी। जैसे हमने ऊपर देखा एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम प्रिज्मेटिक सोसाइटी का, उसको हम सेला मॉडल के नाम से जानते हैं, जस्ट एज
बाजार कैंटीन मॉडल ये क्या है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी यानी प्रिज्मेटिक इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक सब सिस्टम है उसको हम बाजार कैंटीन मॉडल भी हम मीन्स फ्रेडरिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि इन अ डिफ्रेक्टेड सोसाइटी इकोनॉमिक कंसिडरेशन एलोन गवर्न द मार्केट, इन अ फ्यू सोसाइटी रिलीजियस सोशल फैमिलियर फैक्टर्स गाइड द इकोनॉमी। यानी डिफ्रेक्टेड सोसाइटी जो है उसमें क्या करता है, गवर्न करती केवल इकोनॉमिक कंसिडर अलोन गवर्न द मार्केट, केवल इकोनॉमिक कंसिडरेशन ही मार्केट को पूरा कैप्चर कर रखा है, गवर्न करती है। और फ्यू सोसाइटी में क्या है, रिलीजियस सोशल फैमिलियर फैक्टर्स गाइड द इकोनॉमी, वहाँ पे धार्मिक जो फैक्टर हैं, रिलीजियस फैक्टर हैं और सोशल फैक्टर हैं फैमिलियर, तो ये इकोनॉमी को गाइड करते हैं। एंड काइंड ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम एग्जिस्ट इन सच इकोनॉमीज एंड क्वेश्चन ऑफ प्राइस वेरी रेयरली अराइजेस। यहाँ पे जो कीमतों का निर्धारण है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। द प्रिज्मेटिक सोसाइटी हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मार्केट इकोनॉमी और प्रिज्मेटिक सोसाइटी में, जैसे ऊपर से देखते हैं कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, तो मार्केट इकोनॉमी में भी सेम है एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमी, तो दोनों ही विशेषताएँ मिलती हैं, बाजार भी हमें देखने को मिलता है, बाजारीकरण भी, और परंपरागत अर्थव्यवस्था का भी हमें देखने को, परंपरागत अर्थव्यवस्था भी हमें देखने को मिलती है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन कॉमन प्राइस फॉर अ कमोडिटी और सर्विस। तो इसीलिए कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो उसकी हम प्राइस निश्चित नहीं कर सकते हैं, निर्धारण उसका करना बहुत ही अनिश्चित हो जाता है, फिक्स नहीं किया जा सकता है। तो कीमतें स्थिर नहीं रहती हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी के बाजार कैंटीन मॉडल में। सो दिस वॉज टूडेज लेक्चर, दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर, होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरीज यू कैन सेंड इट फ्रॉम कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।